अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे कश्मीरी कुलचे। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसके बाद हम लेंगे एक मेजरिंग कप जैसे मैंने लिया है। इसमें लेंगे हम पहले 3 कप मैदा, उसके बाद हम लेंगे बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डालेंगे हम अपने मैदे में, और नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ा कम ही डालेंगे। मैंने छोटे चम्मच दो चम्मच नमक डाले हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम डालेंगे 2-4 चम्मच पानी कि जिसमें हमारा आटा थोड़ा सा क्रम जैसा हो जाए। उसके बाद हम आटे को मिक्स करेंगे, नमक, पानी और सोडा जो हमने डाला था। ये देखिए हमारा जो आटा है वो छोटे छोटे क्रम्स की शेप ले रहा है। ये देखिए हमारा जो आटा है पूरा क्रम की शेप में आ गया है। उसके बाद हम इसी कप से लेंगे 1 कप घी। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है घर का जो देसी घी होता है, वो डाला है हमने 1 कप। अब हम इसी घी से अपने आटे को गूंदेंगे। ये देखिए हमारा आटा कैसा पाउडर जैसा हो गया है, जिसमें लाइक थोड़े थोड़े क्रम्स बन गए हैं। उसके बाद हम और 2-4 चम्मच डालेंगे इसमें पानी। हमने और 4 चम्मच पानी डाले हैं इसमें। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने और 2-4 चम्मच पानी डाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आटा जल्दी से स्टिक नहीं हो रहा है तो आप इसमें 1-1 चम्मच करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा और तेल ताकि जो मेरा आटा है वो थोड़ा स्टिकी हो जाए और गूंदने में आसानी हो जाए। ये हम अपने आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और आखिर पे अब हमारा जो आटा है वो तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा हाथों पे तेल लगाकर अपने आटे के ऊपर से लगाएंगे। अब हमारा जो आटा है वो तैयार हो गया है। अब हम अपने आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे रफली। आप चाहे तो प्रिसाइज पेड़े बना सकते हैं प्रॉपर शेप में। ये देखिए हमने पहला तो अच्छे से बना लिया है, बाकी हम ऐसे ही बनाएंगे जल्दी जल्दी। ये देखिए जो हमारे पेड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इनको कुलचे की शेप देंगे, जो हमारी रोटी है उसकी शेप देंगे। ये देखिए हम हाथ में रख के इसको भी जो हमारा पाम होता है उससे हम इसको प्रेस करेंगे और इसको कुलचे की शेप देंगे। आप चाहे तो कुछ इसका अच्छा सा डिज़ाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपने कुलचे जो है वो सिंपल बना रहे हैं और टेस्टी भी बना रहे हैं।
और अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमारे जो कुलचे हैं वो भी तैयार हो गए हैं। और ये हमने लिया है पॉपी सीड्स जो हम अपने कुलचों के ऊपर डालेंगे। उससे पहले हमने एक स्लरी तैयार की है, इसमें हमने थोड़े से मैदे में पानी डाला है ताकि जब हम इस पर पॉपी सीड्स डालें वो इस पर स्टिक हो जाए। ये हम अपनी जो स्लरी है मैदे और पानी की वो अपने कुलचों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे कुलचे तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे, इन कुलचों को एक एक करके हम डालेंगे अब अपने पॉपी सीड्स में, जिसको कश्मीरी में तिल बोलते हैं या खशकाश बोलते हैं। अब इसको हम डुबाएंगे इसमें ताकि जो खशकाश है वो कुलचों के ऊपर लग जाए अच्छे से। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना है। जिन जगहों पे पॉपी सीड्स नहीं लग रहे हैं, खशकाश नहीं लग रहा है, तो उन पे हम हाथ से डालेंगे। अब हम अपनी एक बेकिंग ट्रे तैयार करेंगे। मैंने एक ट्रे ली है, उसके ऊपर मैंने डाला है एल्युमिनियम फॉयल। जो हमारे कुलचे हैं हम ये डालेंगे एक एक करके इस बेकिंग ट्रे में। ये देखिए मैंने सारे कुलचे तैयार करके अपनी बेकिंग ट्रे में डाले हैं। मेरे बहुत सारे कुलचे बन गए थे तो ये मेरा पहला स्लॉट था जो मैंने अपनी बेकिंग ट्रे में डाला। अब हम इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे आलमंड्स। जो मैंने आलमंड्स लगाए हैं ये मैंने काट के रखे थे, एक एक पीस ही रखा था। दो आलमंड्स को बीच में काट के एक साइड डाला था हर कुलचे के ऊपर। इससे जो हमारे कुलचे हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये हमारे कुलचे तैयार हो गए हैं। अब आप चाहे तो इसको बेक कर सकते हैं किसी ओवन में, लेकिन हम आज इसको विदाउट ओवन तैयार करें। ये देखिए हमारे सारे जो कुलचे हैं वो मैंने तैयार कर दिए हैं दो प्लेट्स में। इसके बाद हम इसको बेक करेंगे। एक्चुअली मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई में नमक डाला है, उसके अंदर स्टैंड रखा है, उसके ऊपर अपना जो बेकिंग ट्रे है वो रख दिया है। आप विदाउट ओवन इनको तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं वो पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गई। बीच में आप इनको 20 मिनट्स के बाद चेक कर सकते हैं और इनको टर्न कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया टर्न इनको। उसके बाद आप अपने कुलचों को 45 मिनट्स के बाद टोटल बेक करके इनको निकाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी कुलचे बन गए हैं घर में ही, विदाउट तंदूर, विदाउट एनी माइक्रोवेव और विदाउट एनी ओवन। ये देखिए हमारे जो कश्मीरी कुलचे हैं तैयार हो गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकूँ।